हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं आपका दोस्त दिनेश प्रजापति फ्रॉम वीरभूमि मरुभूमि राजस्थान से। आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहाँ भी होंगे व्यस्त होंगे। तो मैं आज आया हूँ जोधपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जो सतलाना गांव पड़ता है। तो यहाँ साइड चल रही है मेरे काम के हिसाब से, तो मैं यहाँ पर आया था। इस खूबसूरत गाँव के अंदर एक नीलकंठ महादेव जी का मंदिर है, भगवान भोलेनाथ को समर्पित है, और बहुत ही खूबसूरत शानदार मंदिर है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये पूरा खूबसूरत गांव है। ये जोधपुर रोड है, ये सतलाना गांव है, जो समुद्री मेरे टाउन नियर बाई 45 किलोमीटर पड़ता है, और ये जोधपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। तो अभी मैं आपको मंदिर में दर्शन करवाता हूँ, विजिट करता हूँ आपको, नीलकंठ महादेव मंदिर, जो खूबसूरत शानदार है। तो वीडियो को एंजॉय ज़रूर करें, नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सो गाइस, आप देख सकते हैं सामने इतना खूबसूरत शानदार एकदम भव्य मंदिर बना हुआ है गाइस, नीलकंठ महादेव, जो भोलेनाथ, शिव शंकर, उमापति महादेव, उनको समर्पित ये मंदिर है। खूबसूरत है ये, और ये मंदिर अभी प्रतिष्ठा हुई है, लगभग 5 साल पुराना मंदिर है ये, पहले पुराना था, अभी इसका उद्घाटन हुआ है, प्राण प्रतिष्ठा हुई है। खूबसूरत मंदिर है, आप देख सकते हैं, मैं आपको अंदर भी लेके जाऊँगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं ऊपर की ओर, ये शिखर काफ़ी ऊपर है और काफ़ी बड़ा है, आप देख सकते हैं, ब्यूटीफुल मंदिर है आप। और ये पास में जो बना हुआ यज्ञशाला है, जो यहाँ पे जब भी श्रावण महीने होते हैं उस समय माँ यज्ञ का आयोजन होता है, और ये वर्षगांठ भी होती है उसी में भी माँ यज्ञ यहाँ पे आयोजित होते हैं। तो बाहर ये लॉक लगा हुआ है, अंदर कुछ इस तरह से ये स्पेस दिया हुआ है, और सामने से मंदिर आप देख सकते हैं गाइस, बहुत खूबसूरत है, बहुत शानदार मंदिर है। ये जो चित्रपत्थर है यहाँ का फेमस है, जो यहाँ के बड़े बड़े फोर्ट पुराने, और उम्मीद भवन पैलेस जो विश्वविख्यात है, और अपने आसपास में मारवाड़ में जो भी है पत्थर यही यूज़ होता है ज़्यादातर, जिसे चित्रपत्थर बोलते हैं। बहुत ही खूबसूरत शानदार नक्काशी की हुई है, आपको अंदर लेके चलता हूँ गाइस। सामने नंदी महाराज है विराजित है, और ये काफ़ी 10-12 पिलर है, पिलरों के ऊपर खड़ा मंदिर है, और ये जो मेन गेट लगा हुआ है उस पर ताला लगा हुआ है, अंदर भोलेनाथ, शिव शंकर और शिवलिंग भी है स्थापित हैं। बहुत ही खूबसूरत मंदिर है, और इस तरह से गुंबद आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत है अंदर से, ये देखिएगा इस बहुत गोल गोल बारीकी से इसकी नक्काशी की गई है गाइस, आप देख सकते, बहुत ही खूबसूरत है, शानदार मंदिर है गाइस। और पूरा ये पिलर देख सकते हैं गाइस, बहुत ही खूबसूरत है अंदर से। और ये यज्ञशाला है गाइस, आप देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर है, हवन कुंड है, 1 2 3 4 5 6 हवन कुंड बने हुए गाइस, आप देख सकते हैं, ये टीन सेट का बना हुआ है, बहुत ही खूबसूरत है, और काफ़ी सारा स्पेस भी है यहाँ पे। सामने से अगर देखें तो गाइस कुछ इस तरह से है, बहुत ही खूबसूरत मैक्सिमम व्यूज़ है गाइस, ओम नमः शिवाय लिखा हुआ है, ऊपर शिखर भी दिख रहा है, और ये चित्र पत्थर है, पिलरों पे खड़ा मंदिर है, खूबसूरत नक्काशी की हुई है गाइस, और ये बाहर रोड का नज़ारा है कुछ इस तरह से है। सोचा मैंने यहाँ पे आया हूँ तो इस मंदिर का खूबसूरत नज़ारा वीडियो में कैद कर लूँ, और अंदर से कुछ इस तरह से व्यूज़ है, बहुत ही खूबसूरत मंदिर है गाइस, ये देखिए। साइड से गाइस ये देख सकते हैं, ये मंदिर में 3 गेट हैं, ये देख सकते हैं गाइस, और इनके शिखर भी हैं, छोटे छोटे 1-2 शिखर हैं, और ये बड़ा सा शिखर ये देख सकते हैं आप, बहुत ही खूबसूरत है, बहुत भव्य मंदिर है गाइस, देख सकते हैं, शानदार। तो गाइज छोटा सा वीडियो था, यहाँ पर आया था काम के हिसाब से, तो मैंने सोचा थोड़ा वीडियो में ले लूँ, आप तक शेयर करूँ। तो ये नीलकंठ महादेव है, सतलाना गांव के अंदर है, और जोधपुर के पास ही पड़ता है, 45 किलोमीटर है, और मेरा जो टाउन है 45 किलोमीटर है, तो ये बीच में पड़ता है, काम के हिसाब से आया था, तो मेरा भी काम कम्प्लीट हो गया, तो ये रोड के ऊपर ही है जस्ट मंदिर, तो मैंने ये वीडियो में ले लिया, आप तक शेयर करूँगा, वीडियो को एंजॉय ज़रूर करें। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा, पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ
शेयर जरूर करें, नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। टिल देन गुड बाय, खमा गणी, बाय बाय।